अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, एक मर्तबा फिर इस्लामिक नॉलेज में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर, पैदल हज करना किसका तरीका है? जी हाँ, पैदल हज करना किसका तरीका है? ऑप्शन ए अंबिया का यानी नबियों का, ऑप्शन बी सहाबा का, ऑप्शन सी वलियों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। जी हाँ, तो ये चार ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है और कमेंट में इसका सही जवाब देना है। आपका वक्त होता है शुरू। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किसी का नहीं। जी हाँ, पैदल हज करना ये किसी का खास तरीका नहीं रहा है, न नबियों का तरीका रहा है, न सहाबा का तरीका रहा है, न वलियों का तरीका रहा है। हाँ, अंबिया में से यानी नबियों में से एकाक हो सकते हैं, पैदल गए होंगे, सहाबा में भी से भी हो सकते हैं एकाक गए होंगे, पैदल हज किए होंगे। वलियों में से भी एकाक का नाम पढ़ने को मिलता है कि पैदल गए और हज किया। तो ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आपका दिल चाहे तो पैदल भी जाके आप हज कर सकते हैं। ये किसी का खास तरीका नहीं रहा है, ना नबियों का तरीका है, न सहाबा का तरीका है, न वलियों का तरीका है, बल्कि एक जायज़ है। अगर आपका दिल चाह रहा है पैदल हज करने को तो शौक से जा सकते हैं, इस्लाम इसके लिए मना ही नहीं करता है। तो दोस्तों, आजकल पैदल जाने की वीडियो वगैरह काफ़ी वायरल हो रही थी, तो सोचा जनरल नॉलेज ही इसका एक बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें।